हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आइए मिलते हैं दूसरी कक्षा के एक छात्र रोहन से उसके घर पर आज एक फंक्शन होना है जिसमें उसने अपने पांच दोस्तों जोहा सिमरन आकाश सुवाली और जावेद को घर सजाने में हेल्प के लिए बुलाया है रोहन ने सभी दोस्तों को फूल लाने को भी कहा था सभी दोस्त आ चुके हैं अब सभी मिलकर फूलों से मालाएं बना रहे हैं उन्हें ये भी कहा गया था कि एक माला के अंदर दस फूल रखने हैं आओ देखें रोहन और उसके दोस्तों ने फूलों से मालाएं कैसे बनाई तो यहाँ रोहन के हम कुछ फूल लेते हैं ये कुछ फूल हमने लिए और रोहन क्या करता है एक सुई लेता है और उसके अंदर धागा डाल के इस तरह से और एक एक फूल इसके अंदर सुई से विरोता जाता है धागे के अंदर आप देख सकते हैं ये एक फूल ऐसे ही ये दूसरा और ये हमने डाला तीसरा फूल और इस तरह से करते जाएंगे और जैसा कि बताया गया है कि एक माला के अंदर दस फूल डालने हैं तो दस फूल डालने के बाद कुछ मालाएं जो है इस तरह से बन के आएंगी आप देख सकते हो ये इस तरह की मालाएं जो है उसके दोस्तों ने रोहन के दोस्तों ने बनाई तो इस तरह की मालाएं तो मालाएं बनाने के बाद फिर आगे देखते हैं हम आगे क्या हुआ फिर उसके बाद तो यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के अंदर जो है सभी रोहन के सारे दोस्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जोहा है सिमरन है आकाश सुवाली और जावेद इन्होंने कितनी कितनी मालाएं बनाई आप चित्र में देख सकते हैं रोहन के पास एक माला दिखाई दे रही है और दो खुले फूल उसके पास नजर आ रहे हैं तो ये यह यहाँ हमने टेबल में भर दिया एक माला और दो खुले फूल एक माला का मतलब उसके अंदर दस फूल हैं तो दस और दो कितने होंगे उसके पास बारह फूल अब हम देखते हैं सिमरन ने कितनी मालाएँ बनाई तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हो सिमरन ने एक दो तीन तीन मालाएं और खुले फूल बच गए एक दो चार, पांच, तीन चार पाँच छः सात यानी सिमरन ने बनाए तीन मालाएं और सात खुले फूल हैं तीन माला का मतलब तीस और सात ये हो गए सैंतीस अगला देखते हैं आकाश आकाश के सामने कितनी मालाएं हैं एक दो तीन चार चार मालाएं बनाई हैं उसने और खुले फूल आठ नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चार मालाएं और आठ खुले फूल यानी अड़तालीस उसके पास फूल थे उसके बाद हम देखते हैं अगला सुवाली सुवाली के सामने आप देख सकते हो कितनी मालाएं उसने बनाई एक दो तीन चार पाँच पाँच मालाएं और तीन खुले फूल हैं तो यहाँ सुवाली के पास पाँच मालाएँ और तीन खुले फूल यानी कुल उसके पास हो गए तिरपन उसके बाद हम देखते हैं जावेद ने कितनी बनाई चार मालाओं का मतलब ये जावेद ने बनाई चार मालाएं और खुले फूल उसके पास कोई नहीं है तो चार मालाओं का मतलब उसके पास चालीस फूल थे उसके बाद देखते हैं जोहा जोहा के सामने है एक और दो दो ही मालाएं हैं उसके पास तो जोहा ने बनाई दो मालाएं और खुले फूल उसके पास कोई नहीं है तो दो मालाओं का मतलब बीस फूल है तो यहाँ आपने देखा कि रोहन के दोस्तों ने कितनी कितनी मालाएँ बनाई उनके पास कितने फूल थे अब हम बात करते हैं रोहन और सुली की कि उन दोनों के पास कितने फूल थे तो अगर हम रोहन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि उसने कितने मालाएं बनाई रोहन ने बनाई एक माला और उसके पास खुले फूल रह गए दो तो एक माला का मतलब अगर हम उसे यहाँ लिखें तो एक माला में कितने फूल थे दस और खुले फूल कितने हैं उसके पास दो तो कुल कितने हो गए इसके पास बारह तो नेक्स्ट हम सुवाली की बात करें तो सुवाली ने कितनी मालाएं बनाई यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच पांच मालाएं उसने बनाई पांच और खुले फूल कितने हैं एक दो तीन ये तीन तो कुल उसके पास कितने फूल हैं त्रेपा तो अगर हम ये देखना चाहें कि इन दोनों के मिलाकर कितने फूल बनते हैं तो हम क्या करेंगे कि इनके पास जितनी मालाएं और फूल हैं इनको मिला देते हैं हाँ आपस में अगर हम इन दोनों को मिला दें तो कुल मालाएं बन जाती हैं एक दो तीन चार पाँच छ छ बन गई हमारे पास मालाएं और खुले फूल कितने बन गए तीन यहाँ थे और दो इनके मिला दिए तो बन गए पाँच तो कुल हमारे पास बने पैंसठ फूल तो इस तरह से हम जोड़ कर देख सकते हैं कि दो दो के कितने फूल बनते हैं दो के पास उसके बाद हम आगे चलते हैं जैसे यहाँ पर हमने जोड़ करके देखा कि दो बच्चों के पास कुल कितने फूल थे इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं क्वेश्चन वही है कुछ बारह में हमने तिरपन को जोड़ना है तो इसके लिए हम एक इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं गिन लड़ी आप देख सकते हो गिन लड़ी तो इसकी हेल्प से हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बारह में तिरपन को जोड़ सकते हैं तो इसको कैसे जोड़ेंगे गिन लड़ी की हेल्प से तो हम क्या करेंगे जो सबसे बड़ा नंबर है पहले तिरपन तो तिरपन हम इसके अंदर काउंट कर लेते हैं इस गिन लड़ी की एक खास बात है इसके अंदर दस दस मोती एक कलर के दस मोती आप देख पा रहे होंगे फिर दूसरा कलर के दस मोती इस तरह से तो इसको गिनना बड़ा आसान हो जाता है जैसे तिरपन को पहले हमने लेना है तिरपन गिनना है तो तिरपन में दस दस के हमारे पास हैं पाँच और एक एक के तीन हैं तो पहले हम पाँच ग्रुप ले लेते हैं दस दस के जैसे हमने लिया एक ब्लू कलर का एक फिर येलो दो तीन चार और ये पाँच यहाँ तक फिफ्टी हो गया हमारा और तीन और लेने हैं हमने एक दो तीन तो यहाँ तक बने हमारे तिरपन अब उसमें बारह जोड़ने हैं उसके अंदर तो हम क्या करेंगे बारह और गिन लेते हैं इसके आगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो ये यह यहाँ तक आ गया हमारा इसका टोटल तो इसको अगर हमें गिनना हो तो ये ग्रुप गिन लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ पूरे ग्रुप हो गए और मोती एक्स्ट्रा कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो छः तो हो गए दस दस के और पाँच हो गए हमारे पास सिंगल तो इनका टोटल आ गया सिक्सटी फाइव तो गिन लड़ी की हेल्प से हम इसका टोटल कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर कि गिन लड़ी की हेल्प से एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कैरी फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं जिनका टोटल नौ से ज़्यादा आता है तो उसे हम कैसे करेंगे इसके ऊपर उसे देख लेते हैं तो यहाँ हमने जोड़ना है तिरपन के अंदर अड़तीस को जोड़ना है तो सबसे पहले वही करेंगे पहले इस पर हम तिरपन ले लेते हैं तिरपन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें पाँच दस दस के जो है पाँच ग्रुप लेने पड़ेंगे एक दो तीन चार और ये हमने ले लिया पाँच यहाँ तक हो गए पाँच ग्रुप और उसके बाद तीन और लेने हैं एक दो तीन तो यहाँ तक हमारे पास आ गया तिरपन अब उसमें अड़तीस जोड़ना है तो इसको एक तरह से और हम जोड़ सकते हैं इसको काउंट करने की बजाय हम क्या करेंगे जैसे अड़तीस इसके अंदर जोड़ना है तो तीन दस दस के लेने हैं एक्चुअल में इसके अंदर तो दस दस के लेने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ आप देख सकते हो इधर से तीन के तीन एक दो तीन ऑरेंज के तीन हैं तो ऐसे ही यहाँ ग्रीन के तीन अगर हम ले लें आगे तो यहाँ तक दस हो जाता है ये यह। तो यहाँ तक हो गया दस ऐसे ही तीन यहाँ पर ले लें ले एक और तो यहाँ तक हो गया बीस और एक और तीन आगे यहाँ तक ले लें ले? तो ये हो गया तीस यानी तीन दस हो गए और उसके बाद आठ और लेने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो ये यहाँ तक आ गया टोटल हमारे पास तो इन सारे ग्रुप्स को अब हम गिन लेते हैं कितने हो गए हैं जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ टोटल ग्रुप हो गए और एक मोती और एक्स्ट्रा है नौ ग्रुप का मतलब नौ तो हो गए दस दस के और सिंगल मोती रह गया हमारे पास एक तो इनका टोटल हमारे पास आ गया 91। तो इस तरह से हम दो अंकों की संख्याओं का जोड़ गिन लड़ी की हेल्प से कर सकते हैं आगे देखते हैं एक और तरीके से हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं और उसे हम बोलते हैं संख्या रेखा पर यहाँ आपके सामने एक संख्या रेखा बनी हुई है जिसमें जीरो से लेकर चालीस तक की संख्याएँ दिखाई हुई हैं क्वेश्चन है आपके सामने तेईस में चौदह को जोड़ना है तो इसको हम संख्या रेखा पर कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम पहला नंबर लेते हैं जैसे तेईस है तो इसमें आप देखिए तेईस कहाँ पर है? ये है तेईस यहाँ पर इसके बाद इसमें चौदह जो है जोड़ना है इसके अंदर तो इसके आगे चौदह स्टेप और चलते हैं फिर हम जैसे तेईस के बाद एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो हम कहाँ पर पहुँच गए थर्टी सेवन पर इसका मतलब इनका टोटल कितना हो गया थर्टी सेवन तो इस तरह से संख्या रेखा पर भी इन्हें जोड़ा जा सकता है एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा सा ये अलग टाइप का है क्वेश्चन ये है कि बाईस के अंदर कितना हम जोड़ें कि उसका टोटल अड़तीस आ जाए इसके अंदर तो हम इसे कैसे करेंगे सेम उसी तरह जैसे पहले हम गए थे तेईस पर तो इस बार हम कहाँ पर जाएंगे बाईस पर बाईस पर गए उसके बाद क्वेश्चन ये है कि बाईस में कितने स्टेप हम आगे और चलें कि अड़तीस तक पहुँच जाएँ तो हम पहले अड़तीस देख लेते हैं कहाँ पर है ये अड़तीस तो यहाँ तक जाने के लिए कितने स्टेप हमने लिए हम इसे काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो अड़तीस तक जाने के लिए हमें सोलह स्टेप लेने पड़े यानी हम इसमें सोलह जोड़ेंगे तो हम अड़तीस बना पाएंगे इसके अंदर तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर भी संख्याओं को जोड़ सकते हैं इसके बाद एक और तरीका हम देखते हैं जोड़ का ही इसमें हम ब्लॉक्स का यूज़ करेंगे इसके अंदर ये आपके सामने कुछ ब्लॉक्स में रखूँगा यहाँ पर जैसे एक लड़की है माही माही के पास चौबीस ब्लॉक्स हैं ये दस दस के ब्लॉक हैं और चार जो हैं इसके पास और ये। दो तीन और ये हो गए चार तो ये तो हो गए माही के ब्लॉक्स इसके बाद ईशा के पास जो ब्लॉक्स हैं वो हैं थर्टी एट थर्टी एट का मतलब थ्री ब्लॉक्स तो हो गए ये टेन टेन के ग्रुप हो गए और आठ हो गए लूज एक दो ये हो गया तीन चार पाँच छ सात और एक आठ तो अब हमें इनको जोड़ना है इनका टोटल करना है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन अब देख सकते हो कि ये माही के पास हैं चौबीस और दूसरी जो लड़की है ईशा उसके पास कितने हैं अड़तीस इनको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे इनको मिला देते हैं आपस में तो जो सिंगल सिंगल हैं उनको हमने अलग मिला दिया और दस दस के ग्रुप्स को अलग मिला दिया तो अब हम इन्हें जोड़ के देखते हैं कितने गए दस दस के कितने ग्रुप हो गए हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लेकिन सिंगल सिंगल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व बारह तो जो हमारे पास इकाई है एक एक की वो बारह हो गए लेकिन इकाई के स्थान पर हम नौ से ज़्यादा नहीं लिख सकते तो हो गए हमारे पास बारह तो हम क्या करते हैं इसमें दस दस का एक ग्रुप बना लेते हैं अलग से चार पाँच सात, आठ नौ और ये दस तो दस का एक और ग्रुप बना लिया तो अब देखते हैं दस दस के कितने ग्रुप बन गए एक दो तीन चार पाँच छ और सिंगल सिंगल रह गए टू तो दस दस के बने हमारे पास छः और सिंगल सिंगल कितने हो गए मेरे पास टू तो यानी चौबीस और अड़तीस इन दोनों का टोटल आ गया सिक्सटी टू तो ऐसे हम ब्लॉक्स की हेल्प से जोड़ सकते हैं संख्याओं को जोड़ करने का एक और तरीका हम देखते हैं जिसमें हम चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे इनको सीधे भी जोड़ा जा सकता है जैसे ही क्वेश्चन हमने लिया बारह में हमने तिरपन को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जैसे इसमें दो स्थान होते हैं दो अंकों की संख्या में एक इकाई का स्थान होता है एक दहाई का स्थान होता है Osionfish. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर सबसे पहले हम जोड़ेंगे इकाई की संख्याओं को इसमें हमारे पास दो और तीन दो और तीन को जोड़ना है तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास जोड़ने के लिए एक अंक की संख्याओं को जैसे हम उंगलियों पर भी जोड़ सकते हैं तो दो और तीन का जोड़ आ जाता है पाँच तो ये हमने पहले इकाई के अंकों को जोड़ा अब हम दहाई पर चलते हैं दहाई की संख्याओं को अलग से जोड़ लेते हैं तो दहाई के अंक क्या हैं एक और पाँच तो एक और पाँच कितना होता है छ तो इस तरह से भी इनको डायरेक्ट इकाई और दहाई की संख्याओं को अलग अलग जोड़ करके जोड़ा जा सकता है आगे देखते हैं बिना ब्लॉक्स की हेल्प से अगर हमें जोड़ना हो एक एग्ज़ाम्पल हम देख चुके हैं दूसरा एक और देखते हैं ये थोड़ा सा उससे अलग है तो यहाँ भी जैसे आप देख सकते हो इकाई की संख्याओं में एक छः है और एक नौ अगर हम इनको जोड़ें तो इनका जोड़ पंद्रह बनता है जिसे कि हम इकाई के स्थान पर नहीं लिख सकते हैं पंद्रह को क्योंकि उसके अंदर दो अंक आ गए तो ऐसे क्वेश्चनस को कैसे करेंगे जैसे यहाँ पर छः और नौ का जोड़ कितना आया पंद्रह तो एक बार हम यहाँ पर इसको पंद्रह लिख लेते हैं लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर सिर्फ एक ही अंक लिख सकते हैं तो ये जो दूसरा एक आया है जो कि एक्चुअल में दहाई का अंक है ये वाला तो इसको यहाँ से शिफ्ट करके हम कहाँ ले जाते हैं दहाई वाले अंक के स्थान पर ले जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो ये वन इधर से चल के कहाँ पर आ गया दहाई के स्थान पर तो अब दहाई के अंकों का अगर हम जोड़ करें अलग से तो चार पाँच छः सात आठ तो इसका टोटल आ गया आठ दो अंकों की संख्याओं को भिन्न भिन्न तरीकों से कैसे जोड़ा जा सकता है ये हमने आज की वीडियो में सीखा